नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कंपनी नामा। अब किस एयरलाइन पर छाया संकट, रिलायंस और HDFC के कितने टूटे शेयर, कौन बना बायजूस का नया CEO, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। AL से जुड़ी अमेरिकी कंपनी NVIDIA और भारतीय IT कंपनी इंफोसिस ने AL एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस के लिए करार किया है। इंफोसिस की पहली AL ऑफरिंग टोपाज नाम से आ रही है। अकासा एयर 43 पायलटों के इस्तीफे के बाद संकट में आ गई है। कंपनी ने कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पायलटों के अचानक इस्तीफे की वजह से कंपनी को सितंबर में हर दिन 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी। एयरलाइन के वकील ने जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा से कहा कि नौकरी छोड़ने वाले पायलटों ने नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिस वजह से एयरलाइन को रोजाना कई उड़ानें रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज ने भारत की अदानी ग्रीन के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया है। इसमें टोटल एनर्जीज 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद दोनों कंपनियों के बीच पहली बार इस तरह का करार हुआ है। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर से अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की बढ़त लागत की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर GIC, TPG हेल्थ केयर फंड और सिंगापुर सॉवरेन फंड के सपोर्ट वाले एशिया हेल्थ केयर ने AINU हॉस्पिटल चेन का बड़ा हिस्सा करीब 600 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी यानी AINU में निवेश के जरिए एशिया हेल्थ केयर भारत के यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी सेगमेंट में दांव लगा रही है। बायजूस ने अर्जुन मोहन की तरक्की करते हुए उन्हें अपना इंडिया CEO बना दिया है। इस पद पर अब तक रहे मृणाल मोहित ने पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा देने का ऐलान किया। मोहित पिछले साल मई से कंपनी का भारतीय कामकाज देख रहे थे। भारतीय भाषाओं के ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म Kuku FM ने अपने मौजूदा निवेशकों से 2.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इसके पहले सितंबर 2022 में कंपनी ने सीरीज B1 फंडिंग में 2.19 करोड़ डॉलर जुटाए थे। ई स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अक्टूबर के आखिर तक अपना IPO ला सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने IPO लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हाल में हुए फंड रेजिंग राउंड के दौरान कंपनी का वैल्यूएशन करीब 5.4 अरब डॉलर था। RR केबल की बुधवार को शेयर बाजार में 14% के प्रीमियम पर 1179 रुपए पर लिस्टिंग हुई। कंपनी का IPO प्राइस 1035 रुपए था। दिन में कारोबार के दौरान BSE पर ये 1212.80 करोड़ तक पहुँच गया। यात्रा ऑनलाइन का IPO निवेश के तीसरे और आखिरी दिन बुधवार को 1.66 गुना सब्सक्राइब हुआ है। शुरुआती दो दिन में इसे फीकी प्रतिक्रिया मिली थी। कंपनी इस IPO से 775 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। साई सिल्स के IPO को निवेश के पहले दिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। कंपनी का IPO पहले दिन सिर्फ 0.07 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी इस IPO के जरिए 1201 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का IPO निवेश के पहले दिन 0.57 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी इस IPO के जरिए 730 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए प्राइस बैंड 366 से 385 रुपए है। वैलियंट लेबोरेटरीज का IPO 27 सितंबर यानी अगले बुधवार को निवेश के लिए खुलेगा। ये इशू 3 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी की लिस्टिंग T+3 टाइमलाइन के हिसाब से होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL के शेयर बुधवार को 3% से ज्यादा टूट गए। NSE पर कंपनी में हुई एक ब्लॉक डील में करीब 0.35% शेयरों का लेन देन हुआ। कारोबार के दौरान रिलायंस के शेयर 2 महीने के निचले स्तर 2361.60 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के आखिर में ये 2.21% टूट कर 2382.10 रुपए पर बंद हुए। कई एनालिस्ट के टारगेट प्राइस घटाने की वजह से देश के दिग्गज HDFC बैंक के शेयर बुधवार को 4% से ज्यादा टूट गए। कारोबार के दौरान ये BSE पर 1560.60 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये करीब 4% टूट कर 1563.90 रुपए पर बंद हुए।
सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियां एनटीपीसी और पावर ग्रिड के शेयर ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। इस सेक्टर में अच्छी तरक्की की संभावनाओं को देखते हुए पावर शेयर में लगातार अच्छी मजबूती देखी जा रही है। बुधवार को कारोबार के दौरान पावर ग्रिड का शेयर ऑल टाइम हाई स्तर के रुपए तक और एनटीपीसी का शेयर ऑल टाइम हाई स्तर 245.90 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह एनटीपीसी का शेयर ऑल टाइम स्तर 205.95 रुपए तक पहुंच गया। तो कंपनी नामा में आज फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9।